बाराद्वार में एक व्यक्ति को पुलिस ने गांजे की अवैध बागवानी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। व्यक्ति अपने घर के आंगन के क्यारियों में गांजे का पौधा लगाया था। पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम झाल रौदा में दूजराम चंद्रा ने अपने घर के आंगन में गांजे का पौधा लगाया है। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके आंगन से 17 नग गांजे का पौधा बरामद किया, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए आकी जा रही है। मामले में आरोपी पर धारा 20A NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। उक्त कार्रवाई में थाना बाराद्वार प्रभारी ML शर्मा, प्रधान आरक्षक यशवंत राठौर और बलदेव सिंह राजपूत, महिला आरक्षक चंद्रकला सोन और आरक्षक डमरूधर गबेल शामिल हैं। DNX TV के लिए जांजगीर चापा से लक्ष्मीकांत बरेट की रिपोर्ट। आरोपी दूजराम चंद्रा पिता घसिया राम चंद्रा उम्र 61 साल ग्राम झारोंदा थाना बाराद्वार ने अपने मकान से लगे आंगन में मादक पदार्थ गांजा पौधा 17 नग कच्चा हरा पत्तीदार वजन 34.370 किलोग्राम कीमती 2 लाख रुपया को पुलिस जब्त कर कार्रवाई की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजी जा रही है।